तो हेलो गाइस, मैं हूं अब्रेश, मैं हूं जिशान और हम हैं फोकस। तो गाइस, आ गए हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ और आज बहुत ही अमेजिंग प्रैंक होने वाला है गाइस। वो भी किसके ऊपर मालूम? गैस करो आप। नहीं, बता देता हूँ, जीजू के ऊपर गाइस। प्रैंक तो हाइफा के ऊपर हो रहा है। हाँ, जीजू अपने साथ सपोर्ट करिए, सॉरी। प्रैंक हाइफा के ऊपर, लेकिन क्या प्रैंक हो रहा है? प्रैंक ये करना करके दिखाते गाइस, क्योंकि बस ये ध्यान रखना कि काशिफ इंक्लूड है और हाइफा के ऊपर ये प्रैंक है, ठीक है? तो अभी काशिफ आ रहा है भाई और यहाँ पे सब डेकोरेशन होने वाला है क्योंकि हाइपा कर रही है ग्रूम टू बी। गाइस, आप लोगों को बहुत मजा आने वाली ये प्रैंक देखने में। देखते हैं उसको हम लोग कैसा फ्लो में लेके जाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। काशिफ भाई का हो गया है पूरा ग्रूम टू बी, प्लानिंग कर लिए कि क्या करना है। आप भी शॉक्ड हो जाओगे गाइस, हम लोग पता नहीं है, ऑडियंस को बताएंगे। हां, थोड़ा वर्स्ट है, लेकिन हाइपा का रिएक्शन क्या रहेगा इस प्रैंक पे? तो खतरनाक होना चाहिए। अभी हाइपा बात और मम्मी के साथ अंदर, मतलब बर्तन धोने में हेल्प कर रही है। जैसे उसको अभी यहाँ से बातचीत थोड़ा चिल्लम चिल्ली करते, उसके बाद देखते उसका रिएक्शन क्या होगा। ऐसा कुछ भी रियल नहीं रहेगा इसमें। अरे कुछ रियल नहीं रहेगा, अपने को बनाना पड़ेगा। अभी तुम्हारे लिए नया नया है, हम लोग सिखाते हैं ना। अरे रुको, अभी ठीक कर दो, अभी ठीक कर दो। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। क्या है, क्या करने का बोलो भाई? जीजू, लेकिन तुम्हारी गलती ये सब। अरे भाई, तुम बच्चे को बीच में क्यों ला रहे हो? लेकिन वो उसको क्या समझ है, क्या हो रहा है? एक्सेप्ट कर लो ना, गलती की है तो किए, एक्सेप्ट करो। मैं गलत किया ही नहीं, तो मैं सामने सामने गलत करके बैठे हैं हम लोग। जब बड़े बात कर रहे हैं, कुछ कुछ बात हुई है हम लोग के बीच में, ऐसी जो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं अच्छा लगता है। यार वर्ड की बात ऐसी है कि तुम पहले अपना टोन सही करो। टोन इज और लाइट वर्ड गलती एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। कुछ चीजें जो मेरे को नहीं समझ में आई, लेकिन नहीं समझ में आई, लेकिन अवरेश भाई उसके लिए तुम्हारा टोन सही रहना चाहिए। तुम ऐसा बात करोगे, टोन रिंगटोन है अपना। जा तू, तू बात मत। नॉट अबाउट रिंगटोन। हुआ क्या? जा जा अंदर। हुआ क्या? हुआ क्या? तुम इसलिए बुलाए गए यहाँ पर? क्या हो गया? अलग अलग उसको बोलने की क्या जरूरत है? बड़े लोग के बीच में बात हो रही है भाई, मेरी शादी है उनसे, उनको पता रहे। नहीं नहीं, ये बड़े लोग के बीच में अभी मैं ऐसा बात तो नहीं कर सकता। तुम भी पीछे से, अमन भाई भी एकदम अलग है। हम लोग अच्छे से बात नहीं किया, ऐसा तो नहीं चलता। क्या हो गया मुस्तफा? सुई दिख रही है, ये चुबा दूंगा। अरे ऐसे कैसे चुबाएगी? क्या मैं एकदम रोड पे पड़ा हूँ क्या? तुम चुबा दो। अरे उल्टी बात कर रहा है, बीच में बात आई है। बड़े लोग की बात हो रही है, बड़े लोग की बात हो रही है, उससे चिल्लाए। बड़े लोग की बात हो रही है, बीच में नहीं आने का। बड़े लोग के बीच में चिल्लाने की बात करो, तू जा अंदर। ऐसा अंग पे नहीं आ सकते भाई, ये टोन नहीं। हेलो भाई, ये आईफा तो हट, जो समझ में नहीं आ रहा, अंदर जा बोल रहे तो अंदर जा। काशिफ हाथ मत उठा, तेरे को बोल रहा काशिफ हाथ मत। ये हाथ में गलती नहीं करने का। जाओ, हाथ कैसे उठाया तूने? हाथ कैसे उठाया? हाथ उठाया देख के जाओ तेरे को। हम लोग का भी हाथ है, हम लोग की बहन की वजह से रुके हुए। बस नहीं, मेरे अंग पे आ रहे, देख रहे हैं अब्रेश भाई, चुबा दूंगा, ये चुबा दूंगा। देख रहा है क्या? मैं नहीं उठा सकते काशिफ, बट लेकिन वो आंग पे आ रहे, जब सुई दिखाई, जब तुमने कुछ बोले क्या हाइफा? भाई तो ऐसे क्यों दिखा रहा है भाई? मैं आया यहाँ पर किसके लिए आया? तुम लोग सबके लिए आया। वो मेरे को बोल रहे सुई चुबा दूंगा। ठीक है शांत भाई, क्या हो गया भाई? क्यों कर रहे तुम लोग ऐसे? और सही फैसला करना, एक तरफा मत करना हाइफा फैसला। तुम जीशान भाई भी आंग पे आ रहे, अमन भी आंग पे आ रहा, सब आंग पे आ रहे, तो मैं क्या करूँ? मैंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए हाथ उठाया। हम लोग ने कुछ किया नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते भाई तुम लोग। इसलिए फायदा उठा रहे। क्या है यार हाइफा, क्या क्या देखना भाई? मत ना काशिफ, तुम क्या किए काशिफ? डैडी को फोन लगा के दो मेरे को, मैं डैडी से बात करूंगी डायरेक्ट। ये क्या है काशिफ, हाथ कैसे उठा सकते हैं तुम? लगाने का तुम लगाओ, मैंने अपने आप को डिफेंड किया। अगर तुमको फिर भी अगर लगाने का है तो तुम कॉल लगा सकते हो काशिफ। लेकिन तुम ऐसे हाथ नहीं उठा सकते भाई। ऐसे तुम्हारा भाई जब मेरे अंग पे आया तब नहीं, मतलब तुम्हारे भाई को
भाई का सपोर्ट कर रही है। भाई का सपोर्ट नहीं कर रही, भाई तू भी क्यों सुई चुबा रहा है? भाई को उसने मारा वो नहीं दिख रहा है, सुई चुबाया नहीं उसने अभी तक। झगड़े क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये बात खत्म थोड़ी होगी, ये बात तो यहाँ शुरू ही है। डैडी को फोन लगा के तो मैं डैडी से बात कर रहा हूँ। मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, रहने दे छोड़। मैं भाई कैसी बात कर रहे है भाई तू? भाई यार अभी तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे? काशिफ मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा लगेगा कैसे? गलती है, इतनी बुरी हरकतें ही हुई है तो यार। क्या हो गया काशिफ? टेबल देख, टेबल देख, पहले से डैडी से बात कर। डैडी 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 क्या कर रहे हो? लेकिन पहले इन लोग को देखो, इन लोग तीन में अकेला हो और तुम भी इन लोग के साथ दे लो। नहीं मैं उन लोग के साथ नहीं हूं। हम लोग तीन है लेकिन अकेला चमार किसने मारा? चल कोई नहीं, हम देख लेंगे। हमारा भाई भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हैं काशिफ भाई? चमार किसने मारा तुमको? चमार दिख रहा चमार से पहले तुमको चमार किस वजह से खा के लिया मालूम? तेरा होने वाले हस्बैंड हम लोग रखेंगे को सुई चुभी और मेरे को जो हुआ और मेरे साथ और एक कुछ हुआ मैं नहीं बताऊंगा। हाथ नहीं उठाया, हाथ नहीं उठाया। तुमने जो करे अपने वो गलत नहीं चल रही थी, वो गलत था। झगड़ा कुछ गलत नहीं था, कुछ गलत नहीं था। मेरे बाल पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा रहे ऐसे बाल बड़े क्यों किए भाई? ऐसे भी मेरे को पसंद नहीं मेरे बाल। मेरे बाल को मैं हाइफा को हाथ लगाने नहीं देता हूँ। अभिलेश भाई पकड़ के पूरा घुमा दिए तो फंस गया ना देखो, फंसा हो गया वो ऐसा कर देता वो ऐसा कर वो ये अटक गया, हाथ अटक गया देखो, फिर हाथ लगा रहा है। अरे मैं बाल बता रहा हूँ, नहीं अच्छा लग रहा है। जबरदस्ती जबरदस्ती तुम डैडी को फोन लगा के तो मैं डैडी से बात करूंगी। डैडी को फोन, डैडी डैडी क्या बीच में ला रहे? मतलब तुम डैडी की बात करो, मतलब तुमने मेरे को गुनहगार हो, तुमने मेरे को गलत समझ लिया। तुम ये करोगे नहीं उठाना चाहिए। अच्छा तुम मतलब तुम्हारे भाई का सपोर्ट कर रहा है? मैं गलत गलत के साथ सपोर्ट नहीं करेगी। मैंने किशान भाई को पहले चुप करो, मेरे और अभिलेश भाई के चमार कौन मारा? काशिफ ने। हाँ वो देखे जब उन्हें मेरे को यहाँ पेट में घुसा है, मेरे को लगता है छुपाएगा। हाँ लगता है तुमको? ये इतनी सी इससे क्या होगा? हुआ कि तुमने हाथ क्यों उठाए? कौन सी बात पे हाथ उठा दिए? ये क्या बताने का? तुम्हारे भाई से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रही हो तुम? और तुम मेरे को गलत समझ रही हो? आराम से बात करो, आराम से कर। ये देखो इतने जोर जोर से ऐसे ऐसा कर रहा है। अब ये पोक की बात बीच में आनी, वो भी गिर गया, भी गिर गया। इससे पहले भी ये लगा हुआ था तो मैंने बोला भाई निकालो, तो उसपे अभिलेश भाई मेरे को बोलते अब तुम्हारा ग्रूम टू भी तो तुम निकालो। मैं क्यों निकालू? लेकिन वो सब बात है ही नहीं बोलने की काशिफ। तुम्हे को इसलिए यहाँ बुलाया क्या? मेरे को मतलब चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है, चिल्ला के बताना, चिल्ला के बात नहीं करना, चिल्ला के बात नहीं करना, चिल्ला के बात अरे यार बस हाईफाई इतना मतलब तुमको ट्रस्ट नहीं है? झगड़ा होगा हम लोग का, झगड़ा करेंगे क्या इधर? वो भी शादी के इतने जल्दी मतलब अभी नहीं, बाद में बात होता समझ में आता। तो गाइस हाईफाई ऐसा चमाटा ऐसा अभिलेश भाई तुम हाथ लगाओ, ठंडी पड़ गया है एकदम। बोले फंस गई हूँ मैं दोनों के बीच में, किसको बोलूँ क्या करूँ? एक काम करती हूँ काशिफ के डैडी को ही फोन लगा के बोल देती हूँ, किसको बोलूँ? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, एकदम परेशान हो गई थी गाइस बहुत ज्यादा। बिचारी को थोड़ा ज्यादा रुला दी हम लोग शादी से पहले। काशिफ का पहला प्रैंक है ये जो हाइफा के साथ किया है। ब्रो व्हाट अ एक्टिंग, एक्टिंग तो वो तो बात बोलनी पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अवार्ड अवार्ड तो अवार्ड मिल रहा है ना आज पे, टपके 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 अवार्ड है ना ये हाइफा अवार्ड है ना। सो गाइस ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, करते हैं हमारे साथ इसलिए लोगों ने कहते हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।